अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं आप लोगों का लोकल फोटोग्राफी गाइड। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के हुक्म से खैरियत से होंगे। मेरे शहजादों और शहजादियों, अगर तो आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और हर वीडियो को ज़रूर देखा करें और उसको ज़रूर लाइक किया करें और शेयर किया करें। देन अगेन, जिसने तो इस वीडियो का सर्च करके सर्च इंजन के थ्रू लैंड किया है, दे ऑलरेडी नो कि इस वीडियो में मैं क्या बताने लगा। मगर जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए, लैड्स और लैसीज, इस वीडियो में हम अपने DSLR को एज ए वेबकैम यूज़ करेंगे। पर्सनली आई हैव ज़ीरो नीड फॉर ए वेबकैम। मगर रिसेंटली अभी मेरा एक इंटरव्यू था लाहौर की एक पॉश यूनिवर्सिटी के लिए, जिसकी वजह से मैंने वेबकैम सेटअप किया। वेबकैम के लिए ऑल यू नीड इज़ ए DSLR जिसमें वीडियो कैपेबिलिटीज हों। मैं क्योंकि कैनन यूज़र हूँ, इसलिए मैं जो हूँ कैनन DSLR के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। बाकी हर कंपनी, सोनी, नाइकन, ओलंपस, पैनासोनिक, हर कंपनी का जो है वेबकैम सॉफ्टवेयर अवेलेबल है और स्पेसिफिक कैमराज के उसके ऊपर सपोर्ट मौजूद है जिनको आप अपने एज ए वेबकैम यूज़ कर सकते हैं। इस सेटअप के लिए एक अदद USB केबल, जिसको आप अपने आइदर लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ कैमरे को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, और सेकंड एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर जिसका मैं नीचे इस कैनन के लिए लिंक भी मेंशन कर रहा हूँ, आप वहाँ से जाकर वेबसाइट से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो नीचे लिंक मैंने मेंशन किया है, सीधा उस पर जाएँ, उसके ऊपर क्लिक करें, इस पेज पर लैंड करें, अपने कैमरा का मॉडल नंबर सेलेक्ट करें। अगर आपका कैमरा मॉडल वहाँ पे मेंशन नहीं है तो उसका क्लोजेस्ट मॉडल नंबर विल वर्क फाइन। लास्टली, इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद कैमरे को सिस्टम के साथ कनेक्ट करें, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, मेक श्योर के EOS यूटिलिटी का ऑटो रन उसको डिसेबल कर दें, नहीं तो आपका कैमरा वीडियो स्ट्रीम नहीं करेगा। अब जूम, स्काइप और कोई भी वीडियो कॉन्फ्रेंस रिलेटेड सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स में जाएं और वीडियो रिसोर्सेज के लिए EOS वेबकैम यूटिलिटी को सेलेक्ट करें। बस इतना ही। इसी तरह आप सिंपली अपना DSLR कैमरा एज ए वेबकैम यूज़ कर सकते हैं। एट दिस टाइम मोस्टली कंपनीज ने अपना बेटा वर्जन जो हैं रिलीज़ कर दिए हुए हैं, जिसमें नाइकन के इटसेल्फ अभी सिर्फ लेटेस्ट मॉडल्स जो हैं वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं, जी सीरीज़ के स्पेसिफिकली, और बाकी इसी तरह सोनी, ओलंपस और पैनासोनिक के कैमराज भी किसी न किसी दर्जे में जो हैं एज ए वेबकैम यूज़ हो सकते हैं। आई एम श्योर सिर्फ सॉफ्टवेयर और थोड़ा सा प्रोसीजर डिफरेंट होगा, बाकी सब कुछ यही होगा, इससे ज़्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मगर ये गेमर्स और लाइव स्ट्रीमर्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, और ख़ासतौर पर वो टीचर्स और लेक्चरर्स जो अभी तक घर से बेचारे कोरोना की वजह से लेक्चर्स दे रहे हैं, उनके लिए भी ये गेम चेंजर है। लास्टली, अच्छा लाइटिंग सेटअप के साथ आप अपनी ऑडियंस का जो फोकस है वो अपने ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। ये सारा लाइटिंग का सेटअप बेसिकली मैंने इंटरव्यू के लिए सेटअप किया था, मगर उसके बाद मैंने सोचा यूट्यूब वीडियोज़ तो बना ही रहे हैं तो क्यों ना इटसेल्फ उसको जाके खुद रिप्रेजेंट करना शुरू कर दूँ। जॉब तो नहीं मिली भाई को, मगर डेफिनेटली आई लर्न समथिंग न्यू। तो इस तरह के सिंपल से सेटअप के साथ आप लोग भी लाइव स्ट्रीमिंग सेशंस कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो किसी ना किसी के लिए ज़रूर काम की साबित होगी। तो लास्ट में हमेशा की तरह अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें। मैं हूँ आप लोगों का लोकल फोटोग्राफी गाइड, अल्लाह हाफिज़।